अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। अभी टाइम हो गया है शहरी का वक्त, तो अभी शहरी बना रहे पराठा और चाय। शहरी बन के हो गई है, फटाक से कर लेती हूँ शहरी। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय और पराठा मेरा बन गया। चलो अभी टाइम है शहरी करने के लिए, तो फटाफट कर लेती हूँ, तो चलती हूँ उसके बाद आपसे। इफ्तारी की तैयारी, तो यहाँ पे मैंने उड़द का दाल ली हूँ सफ़ेद। अब इसे मैं बनाने वाली हूँ दही ओड़ा। तो चलते फटाफट इसे मिक्सर की जार में डालते हैं और इसे अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार में निकाल के पीस के अच्छे से रख दी हूँ इधर। और अभी मैं इसमें डालूँगी अदरक, थोड़ा सा कद्दूकस करी हूँ ये ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा जीरा ली हूँ ये भी ऐड कर देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ हाथ से। ऐसे फेंट ली हूँ, अब इसे कर में डाल दी हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा डाल, मैंने पलट दी हूँ और देखिए निकाल लेती हूँ। हल्का गुनगुना सा इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी, मुझे हल्का गुनगुना सा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 20 मिनट। हमारी दही भी एकदम अच्छी है, इसे हल्के हल्के हाथों से बार बार के मसाला ऐड किया और भारी चटनी तैयार है बनके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दही वड़े की रेसिपी तैयार है। अब मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कबाब बना रही हूँ। कबाब की रेसिपी तो आप लोग देखे होंगे, कल मैंने शेयर की उसमें। मैंने फल काटे हैं और मैंने दही वड़ा और कबाब बनाए हैं। देखिए हमारी इफ्तारी देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के बाहर आम का झाड़ है और माशाल्लाह इतना फरा है, इसका फल जो है ना इतना मीठा है। इफ्तारी कहाँ पे बैठी रहेगी, इफ्तारी की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है पांचवी सहरी, आज का पांचवा रोज़ा है, तो मैं कर रही हूँ पांचवी सहरी। मैंने बना ली हूँ पराठा, यहाँ पे रखी हूँ दूध गर्म होने के लिए और यहाँ बना ली हूँ चाय। तो अभी चाय में मैं डालने वाली हूँ सौंठ का पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि हमको थोड़ी सी आ रही है खांसी, इसलिए वो डाल देती हूँ। फ्लेम ऑफ कर दी हूँ, चाय हो गई बन के। फ्रेंड्स, इफ्तारी का टाइम होगा तो मैं बना ली हूँ रगड़ा। तो फिर रखती हूँ गैस पे, देख लो क्या लाया फूल। वो पावर से ही है मेरे दाल को, टाना उबल गया है, गर्म होने के लिए भी इसके अंदर ऐड करूंगी तेल। टमाटर ऐड कर दी, जैसे टमाटर और प्याज पकने लीजिए हल्का सा। पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। सॉरी, हरा धनिया मैंने ले लिया, इसे कट करके इसमें डाल दी। ढकना
भजिया बनाने। भजी पाउडर, नमक, यहाँ पे मैंने मीठा सोडा लिया खाने वाला, थोड़ा सा ही डालूँगी। अंडे की बेसन, मैं ऐड करूंगी नींबू निचोड़ूंगी। और मैंने भजिया भी बना ली, इसे निकाल देते हैं। हाँ अच्छा लग रहा है, आज बनने जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड ने लेकर आई है, ड्रेस लेकर आई और मेरी बच्ची बता रही है। हमें बन दूर मन से मलाई निकाल लो। ये जो हमारे घर से दूर आता है ना फ्रेंड्स, तबेले का रहता है, तो इसमें बहुत मोटी मलाई जमती है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी ना घी कैसे निकालते हैं, एकदम आसान तरीका इंशाल्लाह, पहले जमा हो जाए उसके बाद। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो निकाला था घी वो एकदम ए रखे, बन गई है। मैं बंद कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग का रोज़ा कैसा गया आज का? मुझे तो थोड़ी प्यास लगी थी क्योंकि मैं बाहर गई थी इस वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह पांचवा रोज़ा भी हो गया मुकम्मल। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो